हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने आपके सामने जो लैपटॉप लेके आया हूँ, जो आप देख ही सकते हैं, डेल का है, जो डेल का TP59 है मॉडल। तो इसमें मैंने अभी खोल के रखा है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है, ये नॉट चार्जिंग में मेरे पास आया है। तो नॉट चार्जिंग में आया है, तो मैं जब ही इसको कनेक्शन लगा दो, लैपटॉप तो पूरी ऑन होता है, बट इसमें देखिए, मैंने जब इसका बैटरी लगा के इसको चलाता हूँ, बैटरी में तो चलता ही नहीं है। तो इधर मैंने चार्ज लगा के दिखाता हूँ, तब भी ये चार्ज नहीं लेता है। ठीक है, देखिए इधर मैंने चार्जर लगाया और इधर लाइट देखो ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, ये देखो ब्लिंकिंग करता है, बट इधर एम्पियर कितना ले रहा है, 0.005। बट इसको मैं ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको इधर से ऐसे करेंगे तो इधर ऑन कर देंगे तो हमारा लैपटॉप चालू हो जाएगा। तो देखो ये चालू हो चुका है। तो बट इसका देखो, मैंने कनेक्शन हटा दिया तो लैपटॉप ऑफ, इसका बैटरी में चलता नहीं है। तो जब भी मैंने ऐसा लैपटॉप मेरे पास बहुत बार आया है, तो मैंने वीडियो बहुत बार आपको दिखाया भी है इसमें, जो ऐसा प्रॉब्लम जब आए आप इसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो ठीक है, मैं जब दिखाना चाहता हूँ तो दिखा देता हूँ। तो इसका भी जो पार्ट नंबर है LA D071P Revision 1.0। ठीक है, LA-D071P इसका पार्ट नंबर है मदरबोर्ड का। ठीक है, ये कंपाल कंपनी का मदरबोर्ड है, जिसमें देखो ये जो मदरबोर्ड में, इसमें जो पावर सेक्शन, जो चार्जिंग सेक्शन जो भी हो, इसमें प्रॉब्लम आया। तो इसको सबसे पहले किन किन वजह से होता है वो एक्सप्लेनेशन पहले करता हूँ। ठीक है, देखो जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले आपको सोचना है आपका प्रॉब्लम बैटरी सेक्शन में है, नहीं तो आपका भिन सेक्शन में है क्या। तो जाहिर सी बात है, इसका भिन सेक्शन सही है, भिन सेक्शन खराब होगा तो डेल में ज़्यादातर शॉर्ट ही दिखा देता है, HP का नहीं है बस, दूसरा कंपनी का नहीं है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाता है ज़्यादातर। तो डेल में कंपल कंपनी का ज़्यादातर मदरबोर्ड आता है। तो इसमें मैंने देखा, चेक करके जो मैंने चेक किया, तो सबसे पहले प्रॉब्लम कौन कौन वजह से होता है, कैसे कैसे होता है, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम हमारा चार्जिंग मोसफेट के लिए, चार्जिंग मोसफेट के लिए, और नॉट चार्जिंग केस होता है जो हमारा चार्जिंग कॉइल बूस्ट करने के लिए, जो चार्जिंग आईसी से जो कनेक्शन सिग्नल आती है उसमें दिक्कत आने के लिए, जो इसका रजिस्टर कैपेसिटर फॉल्टी हो जाए उसके लिए, और जो हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो कैपेसिटर होता है, जो CLR होता है, जो कॉइल है इसमें दिक्कत आ जाए तो तब भी प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज होगा तो प्रॉब्लम आएगा, चार्जिंग IC में कुछ दिक्कत आ जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैंने पहले क्या करता हूँ, मैं पहले चेक करता हूँ, एक बार लाइन लगाया इसका, देखो कनेक्शन, तो इधर देखो लाइट ग्लो करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज रेंज में रख के मैं एक बार बैटरी सेक्शन में चेक कराता हूँ, देखो 0 वोल्टेज 3.3 प्रेजेंट है, डाटा प्रेजेंट है, दोनों ही बैटरी प्रेजेंट है, सही है। बट इधर पॉजिटिव में नेगेटिव का कुछ भी जो इंपीडेंस आना चाहिए वो सही नहीं है। तो इसको मैं एक बार दोबारा आपको इसका कनेक्शन हटा के एक बार शॉर्ट चेक कर लाता हूँ, जिसमें आपको पता चले कोई शॉर्ट है क्या नहीं। तो बाजार रेंज में चेक कर लेता हूँ, ये ग्राउंड का पिन है, ये पॉजिटिव का पिन है। तो पॉजिटिव पिन में देखो हमारा बीप आना शुरू कर दिया है। तो पॉजिटिव में जब बीप आएगा तब आपको समझ लेना है इसका जो चार्जिंग कॉइल के साथ, CLR के साथ कोई कैपेसिटर हो, मोसफेट हो, जो भी, इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है।
तो इधर कॉइल में भी देखो आपका शॉर्ट दिखा रही है, सीएलआर में भी शॉर्ट आ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो सबसे पहले मैं इसका देखो इधर जब भी टच करता हूँ इसमें हमारा बीप आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस बीप को हम हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना ज़रूरी होता है, तो चलो सबसे पहले क्या करना है, बैटरी चार्जिंग कॉइल है इसमें वोल्टेज इंजेक्ट कर देते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम कहाँ है वो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन सा जिस शॉर्ट है इसमें वो भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिसका सीएलआर है सीएलआर में कनेक्शन देना पड़ेगा जिससे क्या सीएलआर का आउटपुट में कनेक्शन दे देता हूँ जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें सीएलआर में देने से प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा कौन सा चीज शॉर्ट है, ऐसे शॉर्ट हटाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, देखो इधर मैं ले लिया, लेने के बाद तो अभी इसमें देखिए मैं अभी इसमें लाइन देना चाहूँगा, तो इधर मैंने 8 वोल्ट 5 एम्पियर में सेट किया, तो इसमें ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद हमारा जो दूसरा प्रूफ है देखो इधर मैंने लगा दिया और इधर देखो एम्पियर पूरा 5 एम्पियर ही ले लिया, तो शॉर्ट किधर है वो हमको ढूंढना है। तो इधर मैं बैटरी सेलर के सामने ही देखता हूँ कोई शॉर्ट है क्या नहीं, तो इसके इस पर शॉर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इधर ही मैंने शॉर्ट लगता है, तो एक काम करते इसका जो एम्पियर है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो इधर देखिए इधर स्मोक चलना शुरू कर दिया है, तो मैं दिखाना चाहूँगा एक बार आपको माइक्रोस्कोप में जिसमें प्रॉब्लम कैसे दिखा रही है। देखो इसको मैं इधर डालता हूँ तो इसमें शॉर्ट है, शॉर्ट कौन सा है, शॉर्ट हमारा इसमें है, तो हम इसको पहले हटा देंगे, हटा देने के बाद उसको कर देंगे, हटा के तो पहले इस कैपेसिटर को हम उठाएंगे, उठाने के बाद ये जो कैपेसिटर का थोड़ा कलर देखिए थोड़ा मेल्ट मेल्ट सा इधर से हुआ है, इसको मैंने साइड में रखता हूँ, साइड रखने के बाद थोड़ा सा इधर सोल्डर कर लेता हूँ जिससे हमारा दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे इधर जिसमें दोबारा इसमें प्रॉब्लम का जर नहीं बन जाए, इसमें प्रोटेक्शन थोड़ा बन जाए, इसीलिए तो हम जब भी काम करते हैं तो इसको लगा देता है जिसमें कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो जाए, तो वो हम थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं हर टाइम जब भी काम करते हैं जिससे हमको कुछ हो जाए वो उसमें मतलब नहीं, कस्टमर का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ जाए जिससे हमको गाली सुनना पड़े हर टाइम। तो मेरे पास दूसरा एक बोर्ड है, इस बोर्ड से मैं कैपेसिटर को एक ले लेते हैं,
तो मुझे थोड़ा कैपेसिटर घूम गया है, तो दूसरा कैपेसिटर मैं उठा लेता हूँ। इधर देखो मैंने अब इसमें देखो एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया। लगाने के बाद हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं बोर्ड में। जो मैंने कैपेसिटर लगाया शॉर्ट रिमूव हो चुका है, तो एक बार मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आए। देखो इधर मैंने इधर टच किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी इसका जो चार्जिंग का पॉइंट है इधर मैं लगाया और इधर मैंने 20 वोल्ट कर दिया जिससे हमको पता चले। और इधर क्या करना है, हमका बैटरी है जो लगा देना है और देखना है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो थोड़ा एम्पियर चेंज होने लगा है और 505 ना 15 एम्पियर ले चुका है। और इधर जो लाइट है ग्लो होना वो कंटिन्यूस ग्लो हो चुका है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब क्या चेक करना है आपको दिखाना है, विदाउट बैटरी तो चलता था बट इधर कनेक्शन में हटा दिया, हटाने के बाद देखना है इधर डायरेक्ट क्या चलता है लैपटॉप। मैंने तो डायरेक्ट लगाया, अभी देखो देखो लैपटॉप डायरेक्ट चल रहा है। मैंने इधर कनेक्शन तो हटा दिया। इसका जो बैटरी का फॉल्टी था, जो कैपेसिटर नॉट चार्जिंग इशू था, वो हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तब भी आपको एक्सप्लेनेशन करना था क्या क्या वजह से ऐसा प्रॉब्लम, कौन किन वजह से ऐसा प्रॉब्लम आती है और किस किस तरीके से आप इसका सॉल्व कर सकते, उसका थोड़ा सा मैंने नॉलेज शेयर किया। जिससे देखो आपको कुछ नॉलेज शेयर किया तो इसमें आपको भी कुछ नॉलेज सीखने को मिला और मुझे भी थोड़ा इसमें और भी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हुआ, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा याद रखने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो ये तो मैंने दिखा दिया अच्छे से, जो शॉर्ट हुआ था इसमें प्रॉब्लम जो था सब सही सही हो गया, सर्विस हो गया, कब कर दिया। इसमें और एक प्रॉब्लम था जो प्रॉब्लम आरटीसी का था, वो मैंने पहले ठीक कर दिए थे तो वो वीडियो बना नहीं पाया। तो ऐसे सोचा जो नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम है तो इसका कुछ तो सोल्यूशन हमको देना है, तो मैंने दे दिया प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। आप देख ही सकते हो प्रॉब्लम जो आसान था। आपको भी अच्छा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो इस फील्ड में काम करते हैं उसको थोड़ा हेल्प आ जाए। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरा वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय।